इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा 18 मीटर ऊंचा खंभा है, 18 मीटर ऊंचा, हम इसको ए बी नाम दे देते हैं, और एक सिरा तार का ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो सिरा हुआ है वो जमीन पर एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ये बतानी हमने दूरी, कि तार तना रहे, बिल्कुल स्ट्रेट तना रहे, जबकि तार की लंबाई, ये जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 24 मीटर। इसको नाम दे देते हैं हम तार को AC। तो ये दूरी बतानी हमने BC, बड़ा सिंपल। देखिए कैसे करेंगे आंसर। माना खंभे की ऊंचाई को हमने AB ले लिया, तो AB का मान कितना दिया हुआ इन्होंने, 18 मीटर हो जाएगा। तार की लंबाई हमने लिया है AC, AC का मान इन्होंने कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। अब समकोण त्रिभुज, क्यों, क्योंकि हमारा ऊर्ध्वाधर खंभा है, त्रिभुज ABC में कोण B कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है करण के स्क्वायर के बराबर। तो AB का मान कितना, 18 का स्क्वायर, BC का मान पता नहीं निकालना है, AC स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। ये 18 इधर जाके माइनस करोगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, 252 हो गया, BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो BC का मान क्या होगा, 252 का वर्गमूल। जब आप इनको सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 6 गुणा में 7 बनता है, तो 1 6 बाहर आ जाएगा, तो BC का मान हमारा हो गया 6 वर्गमूल 7। तो पूछा क्या था इन्होंने, आधार से खूंटे की दूरी, खंभे के आधार से खूंटे की दूरी हमारे क्या थी, BC बराबर है हमारे पास कितना आ गया, 6 वर्गमूल 7 मीटर। तो देखा आपने, बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी प्रश्न बहुत ही आसान हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आसान से प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।